सबसे पहले आप अपनी जोस्टिक का फुल साइज और जोस्टिक का बिल्कुल स्मॉल साइज पे एम देखो आप। और जिन बंदों ने किसी भी एक्स वाई जेड यूट्यूबर की वीडियो देखी थी और उसने बोला था कि भी प्लेसमेंट और साइज जॉयस्टिक का मैटर नहीं करता, तो लिटरली अगर आप लोगों ने उसकी बात को सच मान लिया था तो भाई इस वाली वीडियो को एंड तक देखना, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे जॉयस्टिक का साइज और प्लेसमेंट मैटर करता है। और अगर आपको अपनी जॉयस्टिक को मास्टर करना है तो इस वाली वीडियो को एंड तक देखना भाई, लिटरली आपकी जॉयस्टिक इस वाली वीडियो को एंड तक मास्टर हो जाएगी। लिटरली मैं आपको ज्यादा कुछ ड्रिल नहीं बताने वाला, 2-3 ड्रिल बताऊंगा और साथ में मैं आपको कुछ ऐसी हिडन ट्रिक बताऊंगा कि भाई जिससे आपकी जॉयस्टिक की मूवमेंट है ना भाई नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। और अब की बार मैं सीरियस हूं भाई, हर वीडियो में बोलता हूं बट 1 की लाइक सब करवा ही नहीं रहे हो, करवा देना यार 1 की लाइक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब भाई सच बताऊं ना तो मेरे को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था, मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब पे वीडियो देखता था भाई जॉयस्टिक को मास्टर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इन गेम चीजें बताते थे ठीक है, लेकिन मैं आपको आउट गेम चीजें बता रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है। और जब तक आप आउट गेम चीजों में ये चीजें नहीं ऐड करोगे तो भाई आपका कोई भी गेम में सुधार नहीं होने वाला, चाहे आप जॉयस्टिक का कितना भी साइज या फिर प्लेसमेंट सही करने की कोशिश करो तब भी आपका फिक्स नहीं होगा। सबसे पहले आप आउट गेम चीजों में गलती करते हो भाई, टेम्पर्ड ग्लास। सबसे पहले लोग क्या करते हैं 100 से 150 रुपए का चीप ग्लास लगवा लेते हैं, तो आपको करना क्या है अपने शॉपकीपर पे जाना, आप जहां पे भी रहते हो गांव में शहर में ठीक है, वहां पे जाके उसको बोलो भाई मेरे को मैट फिनिश का ग्लास लगवाना है, हो सकता है वो 200 से 250 रुपए का होगा, मतलब 50-60 रुपए का फर्क पड़ता है ठीक है, उसको बोलो भाई मेरे को मैट फिनिश का ग्लास लगवाना है, अगर वो नहीं है तो भाई उसे मंगवा लो ठीक है। मैट फिनिश का ग्लास क्या होता है, आपकी फिंगर है ना ऑटोमेटिक स्लिप होती है उसके ऊपर ठीक है, जब आप कीचड़ वगैरह में जाते हो आपके पांव फिसलते हैं ना वैसे ही वहां पे आपके अंगूठे फिसलते हैं, तो इससे है ना काफी इफेक्ट पड़ता है, जो आपकी जॉयस्टिक स्टक होती है या फिर अचानक से आप रिफ्लेक्स नहीं दिखा पाते ना जॉयस्टिक में, तो वो मैट फिनिश के ग्लास में काफी ज्यादा मतलब फायदा होता है। और दूसरा भाई फिंगर स्लिप है, अगर आप फिंगर स्लिप और मैट फिनिश दोनों करवा लेते हो ना आपको एक टाइम के लिए लगेगा भाई मतलब इतना ज्यादा स्मूथ आपका गेम चलेगा, आपको ऐसा लगेगा भाई मैं डिवाइस है ना बिल्कुल न्यू लेके आया हूं, जैसे हम फोन को रीसेट मारने के बाद हमारा फोन बिल्कुल स्मूथ चलता ना ऐसे आपका गेम चलने लग जाएगा ठीक है। अभी देखो इन दोनों पॉइंट के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप इन गेम चलते हैं और इन गेम की टिप है ना इससे भी तगड़ी है, मैं आपको तीनों लेआउट के बारे में जॉयस्टिक मास्टर के ऊपर जिगल के ऊपर मूवमेंट के ऊपर मतलब सब टॉपिक में इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं, आई डोंट नो मैं क्यों कर रहा हूं बट मैं कर रहा हूं ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो। स्टार्ट करते हैं इन गेम टिप से सेकंड पॉइंट। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि बीजीएमआई में ना 3 प्रकार के लेआउट दिए होते हैं, फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला एक थर्ड वाला ठीक है, मतलब हाफ से ज्यादा कम्युनिटी मेरे को लगता है फर्स्ट वाले लेआउट में खेलती है, जिनको थोड़ा ज्यादा मूवमेंट चाहिए और थोड़ा सा तगड़ा इंटेंस सिचुएशन जो खेलते हैं ना उनको थर्ड लेआउट में खेलना होता है, बट ये बहुत ही गलत चीज है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लेआउट बेस्ट है, मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा और मैं लिटरली मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन से लेआउट में क्या एडवांटेज रहता है ठीक है, तो आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट लेआउट के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट लेआउट में जॉयस्टिक साइज या फिर प्लेसमेंट मैटर करता है। अब नॉर्मल क्या करते हैं बंदे, मतलब जहां पे अंगूठा होता है ना आपका कंफर्टेबल होता है वहीं पे आप उस लेआउट में खेलते हो फर्स्ट वाले में ठीक है, तो मैं क्या करता हूं अपनी जॉयस्टिक को बिल्कुल टॉप में रखता हूं, इन पे कोई भी असर नहीं पड़ता और ना ही मूवमेंट पे कोई असर पड़ता है, चाहे आप जिगल में भी देख सकते हो, अगर आप अपनी जॉयस्टिक को फर्स्ट लेआउट में कहीं पे भी रखते हो ना राइट साइड में जहां पे जॉयस्टिक होती है वहां पे अगर आप कहीं पे भी रखोगे तो आपके एम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आप बैकग्राउंड में देख रहे हो बिल्कुल बंदे को हेड टू हेड ही लग रहे हैं ठीक है। अब डाउट यहां पे ये आता है भाई फर्स्ट लेआउट में मूवमेंट पे क्या असर पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मूवमेंट पे असर पड़ता है अगर आप फर्स्ट लेआउट में जॉयस्टिक को ऐसे वैसे कहीं पे रखोगे तो ठीक है, वो क्यों पड़ता है यहां पे देखो आप लोग। अब बीजीएमआई में जो सबसे ज्यादा फेमस जिगल है वो भाई लॉन्ग जिगल ठीक है, तो अगर आपको एक परफेक्ट जिगल देना ना सामने वाले बंदे को तो आपको जॉयस्टिक के बीच में मूवमेंट देना होता है, और अगर आप जिगल देते टाइम मतलब फायर करते टाइम आगे या फिर पीछे जाते हो, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं बैकग्राउंड में ऐसे आप फायर करते करते पीछे आते हो तो अभी बहुत ही गलत कर रहे हो। अब सपोज करो आपने जॉयस्टिक को बिल्कुल टॉप में रख रखा है तो आप वहां पे बीच में जिगल नहीं दे पाओगे। अब फर्स्ट लेआउट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है भाई, आप कहीं पे भी टैप करो आपकी जॉयस्टिक आपके अंगूठे के नीचे ही रहेगी ठीक है, अगर आप जॉयस्टिक को ऊपर रख लोगे ना बहुत ज्यादा आपके अंगूठे से आपकी जॉयस्टिक तो नहीं छूटेगी, जो एक गोल्ड लेवल जिगल निकालते हैं ना जोनाथन स्काउट वगैरह ये आप नहीं निकाल पाओगे ठीक है, तो आपको अपनी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट सही करनी है, बट वो कैसे करनी है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थर्ड लेआउट के बारे में बात करते हैं। देखो प्रॉपर जॉयस्टिक के साइज के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताना कि भाई कौन से लेआउट पे खेलते हो फर्स्ट या फिर थर्ड, क्योंकि भाई कम्युनिटी में मतलब बहुत सारे बंदे हैं जो सेकंड पे नहीं खेलते, आप फर्स्ट में खेलते हो फिर थर्ड पे खेलते हो, मेरे को कुछ जानना है भाई कमेंट जरूर करना ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेआउट में दिखाया आप कहीं पे भी टैप करो आपका जॉयस्टिक वर्क करेगा ठीक है, बट मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि बीच में जिगल देना होता है जॉयस्टिक के ठीक है, वैसा ही सेम चीज यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक चीज है कि आप कहीं और पे टैप नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी जॉयस्टिक पे टैप करना होता है, अगर आप अपनी जॉयस्टिक पे टैप नहीं करोगे तो समझो कि आप आसमान में देखोगे अचानक से ठीक है, मतलब जॉयस्टिक के सिवा अगर आपने कहीं पे भी टैप किया तो आपको कैमरा घूमेगा ठीक है, ये थर्ड लेआउट की सबसे बड़ी एडवांटेज है, बहुत सारे बंदे इसको डिसएडवांटेज बोलते हैं बट थर्ड लेआउट बना ही इसलिए है। देखो अगर आप मतलब इंटेंस सिचुएशन में हो और आपने अगर
अपनी जॉयस्टिक को छोड़ा तो मतलब आपका खेल खत्म हो जाएगा। अगर आप थर्ड लेआउट में खेलते हो और अपने थर्ड लेआउट को मास्टर करना है तो आपको सिंपल अपनी जॉयस्टिक को कभी भी छोड़ना नहीं है। एक टिप है भाई, बहुत सारे बंदे मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे भाई थर्ड लेआउट कैसे मास्टर करें, आपको कभी भी अपनी जॉयस्टिक को नहीं छोड़ना है। थर्ड लेआउट में एक सीन ये रहता है, अगर आप अपनी जॉयस्टिक को नहीं छोड़ोगे तो मतलब आपकी मसल्स मेमोरी में बैठ जाएगा कि भाई सिंपल जब भी बंदा आएगा तो मेरे को जॉयस्टिक के बीच में जिगल देना है। और अगर आप ये सोच रहे हो भाई मैं जॉयस्टिक को थर्ड लेआउट में बिल्कुल टॉप पे रख दूंगा फिर भी मैं वही जिगल दे पाऊंगा जो फर्स्ट लेआउट में मैं दे रहा था, देखो ऐसे कैमरा घूमेगा आपका। अगर आपका एनिमी के सामने कुछ ऐसे कैमरा घूमने लग गया तो वहीं पे आपका पेंट में गू निकल जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आप थर्ड लेआउट में खेलना चाहते हो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे मास्टर करना है। थर्ड लेआउट में क्या रहता है, इंटेंस सिचुएशन में अटकते नहीं हो, ठीक है। अगर आप अटके तो समझो पेंट में गू निकलेगा, आपको अटकना है नहीं, तो इसकी वजह से आपकी मसल्स मेमोरी में बैठ जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर उसके बाद मैं आपको बोनस टिप भी देने वाला हूं जो कि आपकी मूवमेंट को काफी तेज कर देगा। अब आता भाई मेन टॉपिक जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो मतलब आपका हमेशा डाउट ही रहेगा। देखो अगर आप अपना जॉयस्टिक का साइज बड़ा कर देते हो ना तो इससे आपके एम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक बात जान लो कि रिफ्लेक्स और मूवमेंट में दिन और रात का फर्क होता है। रिफ्लेक्स तो होते हैं कि किसी भी 1v4 कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप मतलब जंप क्राउच वगैरह प्रोन वगैरह कर रहे हो, देखिए अचानक से अंदर आ रहे हो, पिक्सल पिक कर रहे हो, ये सब रिफ्लेक्स होते हैं। और अगर मूवमेंट की बात करो तो भाई जिगल वगैरह देते हो ना आप, लॉन्ग जिगल, साइड जिगल, जो भी आप जिगल देते हो उसी को मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। इन चीजों में बहुत ही अंतर है। अगर आप अपनी जॉयस्टिक का साइज ज्यादा रख लेते हो तो आपका रिफ्लेक्स फास्ट नहीं रहता है, ठीक है, आपका मूवमेंट वही रहेगा, मतलब जिगल आपका उसी टाइप का रहेगा, ठीक है, बट आपका रिफ्लेक्स थोड़ा लो हो जाएगा। देखो आप किसी भी टाइप के लेआउट में खेलते हो दोनों में ही वर्क करेगा, तो ये वाला एग्जांपल देखो तभी आपके माइंड में ये वाली चीज घुसेगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट लेआउट में जॉयस्टिक का साइज और प्लेसमेंट 50% मैटर करता है, बट जो थर्ड लेआउट में उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल मैं थर्ड लेआउट का नहीं दिखा रहा, फर्स्ट लेआउट का दिखा रहा हूं। तो सिंपल अगर अपनी जॉयस्टिक को बिल्कुल छोटा रखते हो, ठीक है, सपोज करो सामने बंदा है और मैं पीक किया, तो पीक करने के बाद मेरे को जॉयस्टिक को रब करना है अंदर की तरफ, मार के जस्ट मेरे को अंदर की तरफ आना, ठीक है। तो जैसे मैंने पीक किया और अगर मेरे को अंदर की तरफ आना तो जॉयस्टिक को बिल्कुल थोड़ा सा साइड में खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपनी जॉयस्टिक का साइज बिल्कुल थोड़ा बड़ा रख लेता हूं, 163 रख लेता हूं, अभी मैंने पीक किया और पीक करने के बाद रब करूंगा ना तो मैं वहां पे मेरा 2-3 सेकंड जाता, मैं अंदर भी नहीं आता हूं, ठीक है। तो मेरे को कुछ थोड़ा ज्यादा ही अंदर की तरफ जॉयस्टिक को खींचना पड़ेगा, क्योंकि भाई जॉयस्टिक बड़ा है तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा रब करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। अब जॉयस्टिक का साइज मैटर करता है, उसके लिए थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल सेट करता हूं। देखो सामने बंदा है, सपोज करो सामने बंदा है, तो मैं कवर से निकला, मैंने मारा अंदर आ गया, कवर से निकला मारा अंदर आ गया। तो ये चीज अगर आप जॉयस्टिक का साइज 70 रखते हो, 71 रखते हो, तो बहुत ही फास्ट कर पाओगे, ठीक है। मतलब गेम में आपका 2-3 सेकंड बच रहा है और 2-3 सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, ठीक है। यही चीज में अगर आपको थोड़ा सा जॉयस्टिक का साइज बड़ा करके दिखाऊं तो वहां पे आपका 2-3 सेकंड लगेगा जॉयस्टिक को पीछे की तरफ खींचने में, क्योंकि जॉयस्टिक का साइज बड़ा है तो आपको अंगूठे को उतना ही रब करना पड़ेगा। अभी बोनस टिप के ऊपर चलते हैं, और इस वाली वीडियो में आपको मैं दो बोनस टिप बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो का टॉपिक इतना बड़ा है भाई। जॉयस्टिक एक ऐसी चीज है जो गेम को चलाती है, जॉयस्टिक नहीं होती इस गेम में तो ये गेम ही नहीं होता, ठीक है, पूरा गेम जॉयस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल मैं आपको दो टिप दे रहा हूं। पहली टिप ये है कि अगर आपको अपनी मूवमेंट या फिर रिफ्लेक्स दोनों साथ रखने हैं और आपका एम भी नहीं जाना चाहिए तो सिंपल आपको अपनी जॉयस्टिक का साइज 71 रखना है। 71 मैं क्यों बोल रहा हूं आई डोंट नो, मैं मतलब 2-3 साल से खेल रहा हूं, 71 मेरा एम भी बढ़िया है, रिफ्लेक्स भी बढ़िया आपके निकलेंगे, बंदे को लगेगा हाँ भाई बंदे में दम है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा थोड़ा मूवमेंट मतलब थोड़ा स्लो हो जाए बट मेरे को एम चाहिए और साथ में मेरा जिगल भी बढ़िया निकलना चाहिए, तो आप 80-82 रख सकते हो। 82 रखोगे ना भाई, लिटरली बता रहा हूं, आपका एम एक नंबर हो जाएगा और साथ में आपकी मूवमेंट भी स्लो नहीं होगी, ठीक है। बट अगर आप रिफ्लेक्स वगैरह दिखाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा 70 रखो, 71 रखो, ये सबके लिए बेस्ट रहेगा। और रही बात दूसरे पॉइंट की, आपको अपनी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट बेस्ट कैसे निकालनी है। देखो स्क्रीन का साइज अलग अलग होता है, अंगूठे का साइज अलग अलग होता है, सब कुछ अलग है। अगर कोई बंदा बता रहा है प्लेसमेंट मैं निकाल के दूंगा तो वो भाई अल्लाह आपको चरा ही रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रखो, जॉयस्टिक वहां पे रखो जहां पे आप जॉयस्टिक के बीच में जिगल दे सकते हो प्रॉपर और साथ में बंदे को सामने आपकी मूवमेंट कैडी लगे, ठीक है। मैं आपको वही बोलूंगा, आप कंफर्ट जोन के हिसाब से रखो। कंफर्ट जोन कैसे निकलेगा, सिंपल आपको अपने अंगूठे से जिगल देना है, मतलब अपने कंट्रोल्स को मत निकालो पहले, सिंपल कहीं पे भी जिगल दो, ठीक है। और फिर नोट करो आपका अंगूठा बीच में कहां पे रुक रहा है, और जहां पे बीच में आपका अंगूठा रुक रहा है लॉन्ग जिगल देने के बाद वहीं पे प्रॉपर जॉयस्टिक रख दो, ठीक है। और साइज मैंने आपको बता दिया, बाकी आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि मेरे को जायरो के ऊपर एक डेडली वीडियो और बनानी चाहिए कि नहीं, वो भी हैंडकैम के साथ, मैं बना दूंगा। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।